सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। एंड अगर आपको नहीं मालूम है कि कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी म्यूजिक को मतलब यूज करते हैं अपने वीडियो में जो नो कॉपीराइट नहीं रहता है तो उससे आपके वीडियो पे मतलब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम को ना रिमूव करने के लिए आपको चलना होगा मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर आपको ले जाकर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले संडे को लाइव आया था तो वहां पर बहुत सारे भाई मतलब लाइव में आए थे। तो इस संडे भी दोस्तों मैं लाइव आऊंगा, शाम 7:30 बजे मैं लाइव में आऊँगा, यानी 7:30 पर मैं लाइव में आऊँगा। तो प्लीज़ यार लाइव में आइएगा इस संडे को भी एंड चैनल को भी चेक करूँगा। एंड गाइस, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। और दोस्तों, अब मतलब कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए आपको चलना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। एंड क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब का जो वेबसाइट है उसे यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा योर चैनल का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो, तो आपको सिंपली यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास कुछ लोडिंग होगा एंड जो वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा। तो जस्ट अभी वेट कर लेते हैं, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो गाइस, आपको चले जाना होगा अपने एनालिस्टिक में, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप अपने एनालिस्टिक में क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अभी आपको देखने को मिलेगा। एंड जितना भी आपका वीडियो रहेगा सब वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, जितने भी आप वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सब वीडियो आ गया है और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं विजिबिलिटी एंड रिट्रैक्शन डेट, जितने मतलब तारीख को आप यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने मतलब दिन पर आप वीडियो को अपलोड करें, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आया है। एंड मेरे बहुत ही शुरू वाले वीडियो में मतलब आ गया था पिछले वीडियो में, तो बहुत ही नीचे है वह वीडियो, तो यहाँ पर यहाँ से ढूंढना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन, तो आप जैसे अपने फिल्टर पर आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो मैं फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल गया एड रिएक्शन कॉपीराइट क्लेम, तो मुझे सिंपली कॉपीराइट क्लेम ही ढूंढना है जिस वीडियो पर मेरे कॉपीराइट क्लेम होगा, अभी वो वीडियो सामने आ जाएगा। तो कॉपीराइट क्लेम पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखते हैं, तो देख लीजिए आपको मेरे मतलब इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है टंकर बाबा सपोर्ट, मतलब जो टंकर बाबा सपोर्ट का दूसरा वीडियो है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में डिसबिलिटी रिटेक्शन यहाँ कॉपीराइट क्लेम्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को मतलब मैं 25 अक्टूबर 2021 में अपलोड किया था, तो इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया था। तो मैं सिंपली कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा कॉपीराइट क्लेम, यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएगा। कॉपीराइट क्लेम्स योर वीडियो यूनिटी फॉर मोनेटाइजेशन ड्यू टू ए कॉपीराइट क्लेम्स, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सी डिटेल्स का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए कि नॉट अफेक्टेड, मतलब ये है जो कि इससे आपको मतलब वीडियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड आपका वीडियो यहाँ पर पब्लिश है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलिजिबल, यानी जो आपका मतलब ये है मोनेटाइजेशन से जो मतलब है रूल कि मतलब आपका अगर मतलब कॉपीराइट क्लेम रहेगा तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं बनेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसलिए ये हरा होता है, यहाँ पर रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा वीडियो कैन नॉट मोनेटाइज, तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मेरे जो इस वीडियो पर मतलब कॉपीराइट क्लेम आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 सेकंड से लेकर 116 सेकंड के मतलब बीच में मेरे वीडियो पर मतलब कॉपीराइट क्लेम आया है। यहाँ पर अभी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 51 सेकंड से लेकर 116 सेकंड, यहाँ पर 140 है। तो यहाँ पर मतलब करने के लिए गाइस आपको, तो आपके पास यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट एक्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते ट्रिम टू ई सेगमेंट, यहाँ पर आप उस वीडियो को मतलब जहाँ पर उसे आप कट करके यहाँ से हटा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रिप्लेस सॉन्ग, यानी रिप्लेस सॉन्ग को मतलब आप अगर क्लिक कर देंगे तो जितना भी आपका मतलब वो रहेगा वीडियो सब मतलब बंद हो जाएगा, जितना भी मतलब सॉन्ग आप उसमें यूज किए होंगे एंड जो आप बोले होंगे वो भी बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा म्यूट सॉन्ग, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको मतलब केवल गाने को बंद करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। एंड म्यूट सॉन्ग को मैं क्लिक कर दिया हूँ एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप मतलब कहाँ से आपको मतलब यहाँ से चूज करना है कि मतलब आप शुरू से लेकर अंत तक गाने को बंद करना चाहते हैं एंड मतलब जहाँ पर है उसी को आप बंद करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर म्यूट सॉन्ग ओनली बेट, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा म्यूट का ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। म्यूट सॉन्ग इन प्रोग्रेस, यानी यहाँ पर जो मेरा ये फिल्म वाला जो ऑप्शन है मतलब मेरे प्रोग्रेस में चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग वीडियो एंड अभी देखते हैं कि ये कितने समय में होता है, किसी का एक घंटा दो घंटा भी लग जाता है, 15 मिनट में भी हो सकता है। एंड अब देखते हैं गाइस कितने घंटे में होता है, वेट कर लेते हैं एंड चलते हैं देखते हैं मतलब कितने समय में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग ए फाउंड, तो वेट करते हैं देखते हैं कितने समय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो का जो कॉपीराइट क्लेम था वो सिंपली से यहाँ पर रिन्यू हो चुका है। एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी क्या लिख कर आया है नो, यहाँ पर अभी देख सकते हैं यानी जो कॉपीराइट क्लेम था वो सिंपली गाइज अब रिमूव हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आर पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, और इस जानकारी के बारे में आपको मालूम था या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।